ज्यादा फेमस तो नहीं, लेकिन हमारे चर्चे उन महफिलों में भी होते हैं जहाँ पर हम खुद मौजूद नहीं होते। तो भाई लोग, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th का और 12th का एग्जाम हो चुका है और दोनों का कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद 10th के बाद बहुत सारे बच्चे 11th, 12th और IIT JEE का तैयारी करने के लिए पटना आते हैं। वैसे में पटना में आपको बाजार सिटी में फिजिक्स के बेस्ट कोचिंग जो आप लोग को दिखलाएंगे, गौरी शंकर फिजिक्स क्लासेस, वहाँ पे आज हम चलेंगे और वहाँ का सारा व्यू आप लोग को दिखलाएंगे और वहाँ का जो भी व्यवस्था है वो आप लोग को बताएंगे। और अप्रैल से न्यू बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, उस बैच के बारे में भी बताएंगे कब से स्टार्ट हो रहा है। ये है अपने बाजार समिति का मेन गेट और हम लोग को जाना है इधर। उधर का ये रोड है जो सैदपुर परिसर के आगे जाता है और सैदपुर परिसर से पीछे हम लोग का कोचिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग और इसके 3rd फ्लोर पे हम लोग का कोचिंग है गौरी शंकर फिजिक्स क्लासेस और इसके ऊपर हम लोग चलेंगे और सारा व्यू आप लोग को दिखलाएंगे। इधर से रास्ता है और सबसे नीचे फ्लोर पे हम लोग का पहले एक ऑफिस है। ये जो ऑफिस आप लोग देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे सबसे नीचे का ऑफिस है और यहाँ पर जो बच्चा सिलेक्शन हुआ है यहाँ से जिस कॉलेज में उनका पिक्चर चिपकाया हुआ है। और आगे इसके चलते हैं तो ये ऑफिस है और यहाँ पे ऑफिस कभी बंद रहे तो आप एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क कर सकते हैं जो 3rd फ्लोर पर आता है और यहाँ से नीचे का ऑफिस है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 3rd फ्लोर पर और 3rd फ्लोर का व्यू हम लोग का गौरी शंकर फिजिक्स क्लासेस है, वहाँ का सारा व्यू दिखलाएंगे। ये ऑफिस है और यहाँ से मेन गेट है और यहाँ से हम लोग को ऊपर जाने का रास्ता है तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। यहाँ से दो रास्ता है, एक है सीढ़ी का रास्ता और एक आता है लिफ्ट का रास्ता। तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सीढ़ी से भी जा सकते हैं। हम फिलहाल अभी लिफ्ट से चलेंगे। ये लिफ्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और 3rd फ्लोर पर जाना है हमको। तो 3rd फ्लोर का बटन दबा दिए 3rd फ्लोर का और ये हमें सीधा 3rd फ्लोर पर ले जाएगा। और 3rd फ्लोर पर जब करिएगा तो डायरेक्ट हम लोग का क्लास आता है। ये लिफ्ट है और लिफ्ट से उतरने के बाद सीधा आप अपने गौरी शंकर फिजिक्स क्लासेस के जो ऊपर 3rd फ्लोर पे ऑफिस है उस ऑफिस में करिएगा। और ऑफिस ये है, यहाँ पे इधर रहते हैं और ऑफिस यहाँ है और यहाँ से ऑफिस करके आप लोग देख रहे हैं यहाँ इधर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के बाद बगल में यहाँ पे हम लोग का क्लास चलता है। इधर आप लोग देख रहे हैं अपने क्लास का पूरा व्यू है और क्लास देख रहे हैं कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और इधर हम लोग का बोर्ड है और बोर्ड का सारा सुविधा है और ये देख रहे हैं हम लोग की सुविधा यही है कि हम लोग यहाँ पे है ना 24 घंटा जब चाहे तब रह करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी भी बच्चा यहाँ पे है, क्लास चलने का मतलब 5:30 हो रहा है फिर भी बच्चा लोग पढ़ रहा है। और यहाँ पे सुविधा में क्लास के बाद लाइब्रेरी का सुविधा है, जब चाहे 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ करके यहाँ पे लाइब्रेरी में रह करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी आप लोग को दिखलाते हैं, यहीं से सटा क्लास से इधर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में यहाँ पे आते हैं और लाइब्रेरी में आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 24 सीट है, इधर सीट नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट है, सीट नंबर 1, 2 इस तरह से करते हैं ना 24 सीट अपने लाइब्रेरी में। जो भी बच्चे आते हैं 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तकरार चली भरपूर जवानी में तलवार चली, ए महफिल में मजा हम तरीका से ले, यहाँ बस मर्जी हमार चली।